सुजानपुर शहर में पंजीकृत रेहड़ी फेड़ी धारकों के अच्छे दिन आ गए हैं। नगर परिषद ने सेल्फ फाइनेंस के तहत टीन के खोखे बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना से शहर के करीब 5 दर्जन पंजीकृत खोखा धारक फायदा उठा पाएंगे। आपको बता दें कि सुजानपुर शहर में मुख्य बस स्टैंड के आसपास बीते कई वर्षों से कुछ लोग रेड़ी फेड़ी लगाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इसके लिए वे नियमित नगर परिषद को मासिक किराया देते हैं और कुछ एक लोग रोजाना तह बाजारी के तहत पर्ची कटवाते हैं। नगर परिषद सुजानपुर ने मासिक किराया भुगतान करने वाले पंजीकृत खोखा धारकों के लिए सेल्फ फाइनेंस के तहत खोखे बनाकर देने का मन बना लिया है। इसके लिए कोई भी पंजीकृत खोखा रेड़ी फेड़ी धारक नगर परिषद कार्यालय में आकर नियम एवं शर्तों को मानते हुए अपने खोखे का निर्माण करवा सकता है। खोखे का निर्माण टीन का होगा, जिसके लिए प्रार्थी को सेल्फ फाइनेंस के तहत अपनी ओर से धरोहर राशि जितनी खोखा निर्माण में लगेगी नगर परिषद सुजानपुर में जमा करवानी होगी। इसके बाद ये राशि उस खोखा धारक के मासिक किराए में शामिल की जाएगी और धीरे धीरे उस पैसे की किराए में कटौती हो जाएगी। पूरा पैसा होने के बाद फिर से नियमित मासिक किराए का भुगतान नगर परिषद को करना होगा। उल्लेखनीय है कि सुजानपुर बस स्टैंड पर कुछ एक खोखा धारकों ने अपने पैसों से खोखों का निर्माण कर लिया था और उसके बाद नगर परिषद ने इस तरह की कार्यवाही को लेकर शिकायतें भी सामने आई थी। कुछ एक खोखा धारक अपनी मर्जी से टीन के खोखे बनाने में लग गए थे, लेकिन उस समय के उपमंडला अधिकारी ने कार्य को रुकवा दिया था और जो खोखा धारक मनमर्जी से टीन के खोखे सजाकर बैठे थे उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए थे और जो नए खोखे स्थापित किए गए थे उन्हें वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था। प्रशासन की कार्यवाही के बाद खोखा धारक डर गए थे और जिस स्थिति में पहले धंधा करते थे वहीं पर मन मारकर धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब नगर परिषद सुजानपुर ने फिर से टीन के खोखे बनाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद सभी खोखा धारकों के अच्छे दिन आना लाजमी है।